मेरे को फोटोग्राफी का शुरू से ही शौक था। कैमरे के परचेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो घर वाले तो शुरू से राजी नहीं थे। उन्होंने मेरे को बात बात में ये कह दिया, चाहे तू रेडी लगा ले पर अपना काम करके लिए हम नहीं इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मेरी बहन ने, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है मेरी लाइफ में। अगर मैं आगे जाके कुछ मेरा बना भी ना, तो उसका बहुत बड़ा हाथ होगा मेरी कामयाबी के पीछे। भैया अपना नाम बता दीजिए। भैया मेरा नाम अविनाश। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया आपको? 8 to 9 months हो गए भैया। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या लगाने जा रहे हैं भैया? सबसे पहले पाने आ रहे हैं चाप। तो ये आगे इनकी चाप। कैसे सोचा ये लगाने का? ये भैया भाई लॉकडाउन हो ही रहा था, मेरे को फोटोग्राफी का शुरू से ही शौक था। कैमरे के परचेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि घर वाले कभी भी राजी नहीं होंगे। ऑलमोस्ट 1 lakh तक कैमरा का प्राइस था। घर वालों ने कहा कि जो अपना काम कर ले, काम करके तू कमा ले और लगा ले, और ले ले कैमरा। उन्होंने मेरे को बात बात में ये कह दिया, चाहे तू रेडी लगा ले, क्योंकि हमारे मामा जी का काम था अमृतसर में, तो उन्होंने यही कहा था कि चाहे तू रेडी लगा ले पर अपना काम करके ले, हम नहीं इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं कहा मैं कोई नहीं, मैं रेडी लगा लूंगा। उस टाइम न्यूज़ आ ही रही थी सेकेंड लॉकडाउन की, तो उसके पहले ही मैं अमृतसर चला गया था अपने मामा जी के पास। तो उनके पास मैं चला गया था, उन्होंने मेरे को काम सिखाया था, वहाँ से काम सीखा मैं, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया यहाँ पर। मेरा यही था कि मैं सीख के भी आया तब भी मेरा काम नहीं बना यहाँ पर आके। फिर हौली हौली लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद मैं नर्वस था कि मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ, कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ यही सोचते हैं कि रेडी लगाने के लिए पड़ रहा था ये वो। जैसे तैसे करके घर वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया, रेडी मैंने किराए पे ली। उस टाइम सारा सामान ऑलमोस्ट मेरा किराए पे ही था, मुझे अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लगा लूँगा। मेरी मम्मी ने और मैंने, मम्मी मेरे घर का शॉपिंग वगैरह का सारा काम संभालते हैं, और यहाँ पे सारा सामान तैयार, तड़का वगैरह तैयार करके मैं अपना सेटअप लगा लेता हूँ। आपकी एज क्या होगी इस टाइम? 20 हो गई होगी भैया। हाँ जी। तो जब 19 से सबसे स्टार्ट कर दिया था। जी, फिर रिस्पांस टेस्ट के हिसाब से सही था, होली 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 ग्रो करता गया यहाँ पर। तो सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हो? मेरा काम भी 11 बजे स्टार्ट हो जाता। मेकिंग तो मतलब रात को ही स्टार्ट हो जाती है, शॉपिंग वगैरह सब रात को कर देते हैं, पर जो मेन का मेन कोर्स का काम होता है वो सुबह ही करते हैं काम। तो सुबह करते हैं। हाँ जी। तो प्राइस क्या रहता है इसका? प्राइस रहता भी है 70 की प्लेट है शाम कुलचे की, और 50 की है न्यूट्री कुलचे की। जी, ठीक है। और कुलचे दो रहते हैं साथ में? जी। तो मतलब एक बंदे का पेट आसानी से? बिल्कुल, बड़े आराम से। तो अभी आपने कैमरा खरीद लिया कि नहीं खरीदा? नहीं भैया, मैंने कैमरा खरीद लिया। खरीद लिया? हाँ जी, खरीद लिया, परचेज कर लिया। मेरी बहन ने मेरे को थोड़ा सपोर्ट करा था, मेरी बहन दिल्ली में रहती है, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है मेरी लाइफ में। अगर मैं आगे जाके कुछ मेरा बना भी ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मेरा हाथ उसका ही होगा। मतलब मेरी हर एक चीज, मेरी हर ख्वाहिश है उसने अपनी तोड़ के मेरी पूरी करी। तो अभी भी रेंट पे लिया हुआ है आपने? नहीं नहीं भैया, अब तो अपने लिए कर लिए। अब किस्तों पे है, रेडी थी दिवाली पे ली थी। अच्छा, दिवाली पे ली। जितना कमाया लगा के फिलहाल, तो बचत हो जा रही है। बजट भैया कभी कभी, अगर आप ये देख लो, अगर जब मेरा पूरा सामान बिकता है ना, तभी मुझे कुछ बचता, 500, 700, 800 उस टाइम मेरे को बचता। तो फाइनली मेरी न्यूट्री कुलचा और चाप की प्लेट यहाँ पे लग चुकी है। तो बहुत ही छोटे से भाई है, 20 साल के हैं, और काफ़ी इनके बड़े सपने हैं, और अपने सपने पूरा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये रेडी खोल ली है, और काफ़ी मेहनत से यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है इनके न्यूट्री कुलचा की प्लेट, जो कि 50 रुपये की है, जिसमें कि इन्होंने साथ में प्याज दिया है, ग्रीन चटनी दी है, 2 कुलचे दिए सेक के, और पीछे देख सकते हो इन्होंने ग्रेवी लगाई हुई है, और जो ग्रेवी का टेस्ट है वो भी इन्होंने कुलचे में डाला हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो चाप लगाई हुई है, ऊपर से बटर डाला है, अमूल की क्रीम डाली है। जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी की करते हैं, प्याज भी एकदम फ्रेश प्याज रहता है, ग्रीन चटनी है, और इसमें भी देख सकते हो इन्होंने ग्रेवी लगाई हुई है। तो सबसे पहले मैं न्यूट्री कुलचा ट्राई करूंगा, और अब ये आ गई गर्मा गर्म न्यूट्री, और इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा प्याज और ग्रीन चटनी। तो वाकई में भाई ने कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। जो इनकी न्यूट्री है काफ़ी लाजवाब टेस्ट है, एकदम फ्लेवरफुल है, और जो इनके कुलचे हैं काफ़ी सॉफ्ट है, जो चटनी और प्याज डाला ऊपर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आपको भी अगर टेस्ट करनी है तो खालसा कॉलेज के सामने आके इसको टेस्ट कर सकते हो, 50 रुपये आपको एक प्लेट खाने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको चाप भी खानी है तो इनके पास चाप भी अवेलेबल है, 70 रुपये की प्लेट रहती है। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, और ये है इनका कुलचा। तो अगर आप भी लुधियाना रहते हो और बढ़िया सी सोया चाप खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको सोया चाप के अलावा न्यूट्री चावल भी खाने हैं, तो वो भी अवेलेबल है। 11 बजे से लेके 4:30-5 बजे बज जाते हैं कभी कभी। हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? हफ्ते में भी है सर, मेरी संडे ऑफ रहती है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो। एड्रेस भी है मेरा नियर वुमेन खालसा कॉलेज है, उसके सामने बिल्कुल सामने ही एकदम पार्क है, पार्क के साथ ही मेरी रेडी लगती है। तो अगर आप भी लुधियाना रहते हो या विजिट कर रहे हो और बढ़िया से न्यूट्री चावल खाना चाहते हो, सोया चाप खाना चाहते हो, न्यूट्री कुलचा खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। इनकी शॉप का नाम है टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे आके आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।